भाई आप जावेद एल्बर्ट साहब को जानते हैं? मैंने कहा हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो खुदा के खादिम हैं और पाकिस्तान में बड़ा काम कर रहे हैं। और उस शख्स ने, उस होटल के मैनेजर ने और मालिक ने मुझे ये कहा कि वो इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं और उनकी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं और उनके लिए बड़ी दुआएं करते हैं। मुख्य और भी हिस्सों में जब मैं चीज सुना रहा था नॉर्वे में और मुख्य जगहों पर, तो कई लोग मेरे पास आए और उन्होंने हौसला अफजाई किस पास में और मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा कि खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने ऐसे पाकिस्तान में खादिम रखे हैं जिन्हें इंजील के लिए वो सारी दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं। सो खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि आज वो इस तकरीब में आए और एक मौसर पैगाम देने के तालुक से हमें सिखाया है। और खुदा की ये मर्जी है कि मेरे चेहरे भी पाकिस्तान में चेंज हो और लोग देना सीखें और हमारी धरती से, हमारे अर्से पाकिस्तान से गुरबत जाते रहे। आपको पता है कि हमेशा हम रवायती तौर पर अपने मेहमानाने ग्रामी का खैर मकदम करते हैं और चूँकि जो मेज़बान हैं मुबशर हकीम यकूब इलाही साहब, वो तकरीब के शुरू में यहाँ हाजिर नहीं थे और इजाज़त के बगैर हम इस तकरीब को शुरू ना कर सकते थे कि उनको रवायती तौर पर उनको वेलकम करें। सो इस वक्त वो यहाँ तशरीफ़ रुमा हैं और जिस तौर से उन्होंने मुझे प्रोग्राम दिया है उसके मुताबिक हम अपने मेहमानाने ग्रामी को और मेहमान खसूसी तकद्दस महबिशप एल्फ्रेड जावेद को हम वेलकम करेंगे, उनका खैर मकदम करेंगे। मैं उन्हीं को गुजारिश करूंगा कि वो बरए मेहरबानी अपनी निश्चित पर खड़े हो जाएं और इवेंजलिस्ट हकीम यकूब इलाही साहब वो आएंगे और उनके गले में हार पहने और जब हार पहना जाए, अभी नहीं, जब हार पहनाया जाएगा आप सब पुरजोश ताली दो। शुक्रिया जावेद एल्बर्ट साहब को भी हम हाथ पहनाएंगे और उनसे भी गुजारिश है कि वो बड़े मेहरबानी अपने पॉपर तशरीफ रखें, खड़ी हो जाएं और